हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जहां पर हम पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को रिवाइज करते हैं, हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की, जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोग इनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले जो एग्जामिनेशन है उनके लिए प्रिपेयर करते हैं। बट क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बैकग्राउंड क्या है, कौन सा आर्टिकल इसकी फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल इनके फंक्शंस बताता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। आई होप कि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी जो PDF है लेक्चर की, वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, हिमाचल प्रदेश आपको पता है कि पहले एक यूनियन टेरिटरी था और बाद में 25 जनवरी 1971 को इसको स्टेटहुड का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक सर्विस पोस्ट हैं उनके एग्जामिनेशन पहले से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट नहीं करवा रहा होता है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी है 1971 से पहले, तो उस टाइम पर ये UPSC की जिम्मेदारी बनती थी कि जो भी पब्लिक सर्विस पोस्ट हैं हिमाचल प्रदेश की या फिर किसी और यूनियन टेरिटरी की, उनके रिगार्डिंग वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए। तो आर्टिकल जो 315 है, 315 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहीं ना कहीं UPSC को, अगर यूनियन टेरिटरीज हैं या फिर सेंट्रल सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, अगर स्टेट सर्विसेज हैं, पावर देता है कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं फॉर डिफरेंट सिविल सर्विसेज पोस्ट, ठीक है। तो UPSC हिमाचल प्रदेश में एग्जाम कंडक्ट करवाता था बिफोर 1971। हिमाचल प्रदेश वॉज अ यूनियन टेरिटरी, आप सब जानते हैं, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा मिलता है। द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड द पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज देन डिस्चार्ज्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप लोगों को पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हम क्या कहते हैं, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है, तो अब ये जरूरत आन पड़ी है कि हमें एक सेपरेट हिमाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहिए। तो उसके बाद होता क्या है कि हिमाचल प्रदेश में आफ्टर 1971 जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर साहब हैं, ये अपनी एक पावर यूज करते हैं आर्टिकल 318 वाली, और हिमाचल प्रदेश में एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ना हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स रेगुलेशन 1971 वर नोटिफाइड बाय द गवर्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश ऑन 8 अप्रैल 1971, ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें एक चेयरमैन और दो मेंबर होंगे, जिनको अपॉइंट कौन करेगा, जिनको अपॉइंट करेगा गवर्नर। देखिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हल्का बैकग्राउंड पता होगा, आपने पॉलिटी में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ा होगा। जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनको वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन द स्टेट बोला जाता है, कि स्टेट में अगर हम मेरिट की बात करें तो उनको अपहोल्ड करती है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में नहीं लिखा गया है, ऐसा बोला गया है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें उतने मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा, जितना कि गवर्नर नोटिफाई करता है, जितना कि गवर्नर ऑफ द स्टेट डिसाइड करता है, कि जो स्टेट का गवर्नर है वो जितने मेंबर बोलेगा उतने मेंबर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में होंगे। एग्जैक्ट नंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इसके साथ साथ आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें जिस भी मेंबर की या चेयरमैन की नियुक्ति करी जा रही है, अपॉइंटमेंट करी जा रही है, उसके पास एटलीस्ट 10 ईयर का गवर्नमेंट सर्विस का आपका एक्सपीरियंस हो, कि वो यूनियन गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो फॉर मोर देन 10 ईयर। लगभग आधे एम्प्लॉय ऐसे अपॉइंट किए जाएंगे इन दी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर मान लो एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 10 मेंबर हैं, तो वहां पर वन हाफ, मतलब 5 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास 10 या 10 से ज्यादा ईयर का एक्सपीरियंस है इन दी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। तो ये जो अपॉइंटमेंट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की या फिर मेंबर्स की, इनको डिसाइड करते हैं गवर्नर ऑफ दी स्टेट। इसके साथ साथ क्या सैलरी होंगी, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी, ये भी गवर्नर साहब डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर इस रेगुलेशन में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हिमाचल प्रदेश का जो कमीशन होगा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें एक चेयरमैन होगा और 2 मेंबर होंगे। दोस्तों, याद रखिएगा ये बातें, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि कौन अपॉइंट करता है किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को या मेंबर्स को, तो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि रिमूव कौन कर सकता है, किसके पास पावर होती है कि वो रिमूव कर सके, क्या गवर्नर ही मेंबर और चेयरपर्सन को रिमूव कर सकता है, नहीं।
अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी मेंबर को रिमूव करना हो, उनकी पोस्ट से हटाना हो, इंसॉल्वेंट हो गए, मिसबिहेवियर हो गया, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इन मेंबर्स या चेयरपर्सन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि अपॉइंटमेंट अगर गवर्नर कर रहा है तो रिमूव भी गवर्नर ही कर रहा होगा क्योंकि स्टेट की बात है, बट यहां पर हमें गलती नहीं करनी है। अपॉइंट गवर्नर साहब करते हैं और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक आर्टिकल जो पावर देता है कि चेयरमैन एंड मेंबर को गवर्नर साहब अपॉइंट करें और उनके नंबर बताएं, वो है आर्टिकल 318। याद रखिए दोस्तों, अगेन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग आपको तीन आर्टिकल बेसिकली याद रखने, 315, 318 और 320, 315, 318 एंड 320। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और क्यों याद रखने हैं वो। तो आर्टिकल जो 318 है, यहां पर बताया गया है कि पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन इन द केस ऑफ यूनियन कमीशन। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट कमीशन के रिगार्डिंग बात करें, तो यहां पर गवर्नर ऑफ द स्टेट मे बाय रेगुलेशन। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एक एक्ट के थ्रू क्यों नहीं बनाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 318 में बोला गया कि इसको रेगुलेशन के थ्रू बनाना है, तब ये रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स रेगुलेशन, तो यहां पर रेगुलेशन डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कमीशन एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ द कमीशन एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्विस। तो ये दोनों ही काम गवर्नर कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग जो गवर्नर साहब ने आर्टिकल 318 यूज करके नोटिफिकेशन निकाली, उसमें बोला गया कि हमारे पास एक चेयरमैन होगा और दो मेंबर होंगे। अगर अब दो मेंबर हैं तो इनमें से एक मेंबर वो होना चाहिए जिनके पास एटलीस्ट 10 ईयर की स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट की सर्विस का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, क्लियर है वाली बातें दोस्तों? ये छोटी छोटी बातें हैं बट अगेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेशन याद रखनी है, 8 अप्रैल 1971 याद रखना है, और इसके बाद हमें 25 अप्रैल 1971 को हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बनता हुआ दिखता है। इसका ऑफिस कहाँ है आप लोगों को पता होगा पक्का कि शिमला में इसका ऑफिस है, ओल्ड कार्ड रोड पे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंपोजिशन क्या थी हमारे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, कि जब हमारा कमीशन पहली बार बना तो इसमें कौन कौन से मेंबर थे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के एस कटोच है, he was the chairman of the first Himachal Pradesh Public Service Commission। आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, इनमें जो मेंबर या चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं उनको लगभग 6 साल की जॉब का टाइम फ्रेम दिया जाता है कि 6 साल तक उनकी जॉब रहेगी, समझ रहे हो आप, 10 ईयर, 6 ईयर का होता है। इसके साथ साथ उनकी जो अपर एज लिमिट है जिसके बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा वो है 62 ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में भी 6 साल और 62 ईयर, इट इज द अपर लिमिट। यूपीएससी में ये साल 65 हैं लेकिन यहाँ पर ये 62 हैं। तो आपके जो कमीशन है उसमें मेंबर चेंज होते रहते हैं। तो जो पहला कमीशन था इसमें चेयरमैन थे आपके के एस कटोच और जो मेंबर थे हंसराज महाजन और पीसी स्टोक्स। ठीक है, तो आपको कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है एंटी अलाइड में, तो ये आपको याद भी रखना है। इसके साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि बाद में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर रेगुलेशन 1971 को अमेंड किया गया 1985 17 जनवरी को, जहां पर बोला गया कि अब कमीशन में एक मेंबर और होगा, तो 3 मेंबर और एक चेयरमैन कर दिया गया। उसके बाद भी आपकी बहुत बार अमेंडमेंट हुई है, रेगुलेशंस नहीं आई हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ मेंबर्स में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो टोटल इस टाइम पर अगर हम बात करें तो 6 साल 62 ईयर का इनका टाइम फ्रेम है। एक और बात कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं इनके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं ताकि इनकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। इंडिपेंडेंस क्यों बरकरार रखनी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश में Class 1 या Class 2 लेवल की जॉब है, जनरली उनके एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, HPPSC। अगर इनके मेंबर्स को हम इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एलिमेंट है वो इनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे, हमें कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन है वहां पर हमें फेयरनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो बोला गया कि जो चेयरपर्सन है या फिर जो मेंबर है उनको रिमूव प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, लेकिन ओनली ऑन द ग्राउंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन किए गए हैं, आप बाहर से कोई और ग्राउंड लेकर नहीं आ सकते। इसके साथ साथ इनकी जो सैलरी है, जो अलाउंस है, वो चार्ज होगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और उसको वेरी नहीं किया जा सकता आफ्टर दियर अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जांपल, आप जब अपॉइंट हुए आपको बोला कि आपकी ये सैलरी होगी, ये प्रमोशन होगी, है ना, आपका ये इस तरीके से पूरा स्केल चलेगा, और बाद में आपके अपॉइंट होने के बाद उसको चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी बात कि जो चेयरपर्सन है अगर एक बार वो रिटायर हो गया तो वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ
यूपीएससी में अप्लाई कर सकता है चेयरपर्सन या मेंबर के लिए, उसके अलावा वो किसी और गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर मेंबर ऑफ एचपीपीएससी रिटायर होते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये किसी और किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरपर्सन बन सकते हैं, बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर गवर्नमेंट जॉब, और ये एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट बातें अगेन मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 320 में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन किसी स्टेट का, वो ये 3 से 4 ड्यूटी क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। पहला, एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल। जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल है उनके रिगार्डिंग एडवाइस कर सकता है, बट इसकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं होंगी, ठीक है। प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग सिविल सर्वेंट्स। अगर मान लो सिविल सर्वेंट ने कोई गलत एक्शन ले लिया तो उसके रिगार्डिंग क्या एक्शन होगा, इस केस में भी स्टेट गवर्नमेंट इनसे कंसल्ट कर सकती है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है जनरली क्लास 1 एंड क्लास 2 पोस्ट की रिक्रूटमेंट जो है उनको लेता है, उनको पहल करता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलरली कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो स्टेट गवर्नमेंट उसे बताती है कि आप कंडक्ट करवाओ, वो भी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो आप लोगों को आर्टिकल्स पता होने चाहिए, 315 जो बताता है कि कमीशन होना चाहिए, 318 जो बताता है कि गवर्नर रेगुलेशन रिलीज कर सकते हैं, और 320 जो बताता है कि फंक्शंस क्या होंगे एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज पूछना है। इसके अलावा आई वुड लाइक कि आप सभी एक छोटा सा आंसर लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आंसर आप तुरंत कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग आप क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और हम वहीं पर ही आपका, जैसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वहीं पर ही आपका आंसर जो है वो रिव्यू भी कर देंगे। 60 वर्ड मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप पक्का लिखें। दोस्तों ये हैबिट डालनी पड़ेगी लिखने की, अगर आप सोचें कि आप सीधा जाकर मेंस में आंसर लिख देंगे बहुत टॉप का, वो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से लिखने की प्रैक्टिस चालिए, और क्यों ना आप हमसे फ्री में रिव्यू करवाएं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस छोटे से टॉपिक के ऊपर, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर 60 वर्ड आप जरूर लिखिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।